पीएम नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। आपको बता दें कि फिलिस्तीन, यूएई और ओमान की ये यात्रा चार दिन की होगी। पीएम की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया जाएगा। यात्रा के पहले चरण में फिलिस्तीन जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को फिलिस्तीन के रमल्ला पहुंचेंगे और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। साथ ही पीएम मोदी वहां के नेतृत्व के साथ ही आपसी संबंधों के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करेंगे। रमल्ला की यात्रा के दौरान भारत और फिलिस्तीन के बीच 5-6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत इजराइल के बढ़ते सहयोग के साथ ही फिलिस्तीन के साथ भी संबंधों को और मजबूत और संतुलित करना चाहता है। वहीं 10 फरवरी को देर शाम मोदी यूएई पहुंचेंगे और दुबई के 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे इस सम्मेलन में विकास के लिए प्रौद्योगिक विषय पर संबोधन देंगे। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी बनने के बाद ये मोदी की दूसरी यूएई यात्रा है। अगस्त 2015 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर यूएई का दौरा किया था। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 11 फरवरी को प्रधानमंत्री यूएई के शहीद सैनिकों को स्मारक जाएंगे। यहां वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री को यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी, जिसके बाद 11 फरवरी को मोदी ओमान के लिए रवाना होंगे और 12 फरवरी को वे ओमान के सीईओ के समूह के साथ चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के उप प्रधानमंत्रियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारत और ओमान के बीच काफी करीबी सामरिक संबंध हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अभ्यास भी हुए हैं। ओमान हमारे जहाजों को सुविधा प्रदान करता है, साथ ही हमारे हवाई जहाजों को रिफ्यूलिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। ऐसे में पीएम मोदी की ओमान यात्रा से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और निखरेंगे।